कैमरे का एंगल सही ना होने की वजह से मुझे हेलमेट में ये जुगाड़ करनी पड़ी है। ये रद्दी फंसाई है मैंने इसमें गत्ते के टुकड़े, तब जाके मोबाइल इसमें सही फिट हुआ है और एंगल सही आया है। हाइट भांजे की हाइट मेरी हाइट 6 फुट है। रख जाएंगे रख गए चले ठीक है रियो। नहीं कहाँ से लेना है टिकट लिया बानो यार जाके 1 मिनट। कितने का है टिकट? 30 का। अच्छा पार्किंग ऊपर दो टिकट लिया फटाफट। ऊपर मेरे पीछे आप देख रहे हैं सांची के स्तूप है, अभी हम ऊपर जा रहे हैं। सांची रायसेन जिले में आता है। ये कौन सी जगह है? सांची है ये? सांची है ये पूरा सांची है। ये सांची है और ये पूरा एरिया देखे कितना शानदार व्यू लग रहा है यहाँ पर। वाह कितना बढ़िया लग रहा है। ये सांची का स्तूप है। ये देखो ये चेतियागिरी विहार महाबोधि सोसाइटी और श्रीलंका ये वाली। हाँ ये झंडा देखो ना। अच्छा महाबोधि सोसाइटी और श्रीलंका सांची। हाँ ये उनका वो है। ये सबसे पुराना इसके ये सबसे पुराना है लेकिन उसकी अलग ही वो है। उसके बाद ये बना इसका पत्थर अलग ही है, ये अलग डिजाइन दिख रहा है। वो सिर्फ एक पत्थर से घेरा हुआ है। अच्छा केवल एक पत्थर से पूरा होकर बोल चट्टान है। ये तो बाहर से बना बाद बना ये बाद बना इसके पीछे भी छोटा सा वो भी बाद बना। बहुत बढ़िया। सांची का मुख्य स्तूप है ना। इसको पूरे एक ही पत्थर से बनाया गया है, बाकी ये साइड में जो छोटे छोटे स्तूप दिख रहे हैं ये बाद में बने अलग अलग। ये मुख्य
गांव पर हूँ जो विदिशा से कितना है लगभग 25 किलोमीटर। आपका नाम क्या है? जय। जय। ये जय है और इनका यहाँ रेस्टोरेंट है। ये रेस्टोरेंट है, न्यू प्रिंस रेस्टोरेंट एंड ढाबा। ये छोला गांव है जो विदिशा से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। विदिशा से 25 किलोमीटर है ये। और यहाँ से भोपाल कितना पड़ता है? 30 किलोमीटर। ये छोला गांव की सबसे खास बात क्या है? छोले गांव की खास बात ये है, यहाँ कर्क रेखा है जो अपने इंडिया के बीचों बीच है। इंडिया के बीचों बीच कर्क रेखा है जो यहाँ छोला गांव से होकर गुजरती है। आपने अगर भूगोल पढ़ा है, ज्योग्राफी पढ़ी है, तो आपने कर्क रेखा के बारे में जरूर पढ़ा होगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा को इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। और ये जगह है भोपाल से विदिशा से भोपाल के बीच में, यहाँ से कर्क रेखा निकलती है। ये कर्क रेखा ये कर्क रेखा देखिए, ये से जा रही है रोड के उस तरफ, वहां तक कर्क रेखा। भूमध्य रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, उससे 23.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव की तरफ जो 23.5 डिग्री रेखा है, उसे कर्क रेखा बोला जाता है। और दक्षिणी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री पे जो रेखा है, उसे मकर रेखा बोला जाता है। इस कर्क रेखा पर 21 जून वाले दिन जो सूरज है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है, एकदम परपेंडिकुलर होता है। और यहाँ पर 21 जून वाले दिन इस पूरी रेखा पर दिन सबसे बड़ा होता है और रात सबसे छोटी होती है। ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध में जो मकर रेखा है, जो भी 23.5 डिग्री पर है, वहां पर 22 दिसंबर को जो सूरज होता है वो बिल्कुल लंबवत यानी परपेंडिकुलर होता है। वहाँ पे 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन और सबसे बड़ी रात होती है, लेकिन इस कर्क रेखा पर 21 जून का दिन सबसे बड़ा और सबसे छोटी रात होती है। मुझे खुशी है कि ये कर्क रेखा हमारे मध्य प्रदेश से होकर निकलती है।
जो व्हाट्सएप पे जो लोकेशन शेयर की थी वहीं खड़ा हूँ, अभी इसको फोन लगाया है तो शायद आने वाला है। सचिन ने जो एड्रेस भेजा था वो गलत था, अभी उसने भेजा सही है तो मैंने गूगल मैप पर डाला है, अब यहाँ से वही आ रहा हूँ। 11 किलोमीटर दूर है अभी। ये भोपाली है कमाल है यार। चलो